इंडियन गवर्नमेंट की फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर APY यानी कि अटल पेंशन योजना इन्होंने हाल ही में 6 साल पूरे कर लिए हैं और इनके पास 2.2 करोड़ से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो जुड़ चुके हैं, यानी कि इन कस्टमर्स ने क्या किया है, इस स्कीम का फ़ायदा उठा लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम RJ ऋषभ एंड टुडे वी आर टॉक अबाउट APY अटल पेंशन योजना। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी और इसको जो अप्लाई किया गया था, जो स्टार्ट किया गया था इस स्कीम को, वो 1 जून 2015 को की गई थी। ओके, और इस योजना के अंडर बेनिफिशियर्स यानी कि लाभार्थी की जो एज है वो 60 ईयर मिनिमम होनी चाहिए। आई मीन 60 ईयर होने के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की वो अमाउंट जो है वो पेंशन के रूप में एवरी मंथ में उन्हें दी जाएगी। वो 1000 से 5000 जो अमाउंट होगा वो उन्हें मिल सकता है, लेकिन अगर इस स्कीम को वो ज्वाइन करते हैं तो। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की अमाउंट बेनिफिशियर्स के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट और उम्र के हिसाब से तय की जाएगी। और दोस्तों, ये भी एक मेन चीज़ याद रखना कि यहाँ पर देखिए, अटल पेंशन योजना 2021 पे केवल आप ना अमाउंट जमा करवाकर हर महीने ज़्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि आपकी मौत भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आप अपने परिवार को भी इसका फ़ायदा दिला सकते हो। जैसे आपके स्पाउस को इसका फ़ायदा मिल सकता है, या फिर आपने जिसको भी उस फॉर्म में जिसको भी नॉमिनी रखा होगा उसको फ़ायदा इसमें मिल सकता है। और ये जो स्कीम है स्पेशली लॉन्च की गई थी पुअर लोगों के लिए और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स होते हैं उन लोगों के लिए, जो द अंडर प्रिविलेज आते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पे कि लाभार्थी यानी कि जो बेनिफिशियर्स होते हैं उनकी कम से कम जो एज है वो 18 से 40 एज तक होनी चाहिए, तभी वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप 18 से 40 ईयर के अंडर आते हैं तो आप इसका जो स्कीम का जो फ़ायदा है आराम से उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आपकी एज अभी 18 है और अगर आपको इस स्कीम से जुड़ना है तो आपको दोस्तों 10 रुपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा, और अगर आपकी एज दोस्तों 40 ईयर है तो आपको 297 रुपये से लेकर 1454 रुपये तक का प्रीमियम यहाँ पर देना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली और एक चीज़ है कि इस योजना का फ़ायदा अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो खोलना पड़ेगा, या फिर एक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो होता है वो खोलना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये आप स्कीम का फ़ायदा उठा पाओगे। और अटल पेंशन योजना को आधार एक्ट के सेक्शन 7 में भी जो है वो ऐड कर दिया गया है, और अगर आपको इस स्कीम से अगर जुड़ना है तो आपको जो आपका आधार होता है उसको आपको उससे एनरोल कराना पड़ेगा, आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेशन जो सर्टिफाई करना पड़ेगा उसके अंडर आपको गुजरना पड़ेगा। चलिए अब बारी है हमारी MCQs करने की, चलिए देखते हैं कि आपको कहां तक अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लगा है ये EPFO 2017 में पूछा गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, और तो पता चलेगा कि आप लोग को कहां तक समझा है और आपको कितना इसके बारे में पता है, ठीक है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, इसके बारे में भी आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं इन कमेंट बॉक्स, तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।